ये मरुआ का पौधा है, इसको हिंदी में मरुआ बोलते हैं, इंग्लिश में मरजोरम बोलते हैं, और हिंदी में इसको वन तुलसी भी बोलते हैं। और इसके फूल में से ये जो फूल लगता है उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, और उसके बाद ये फूल के इस तरह से कुछ बीज बन जाते हैं। अभी ये पूरे पके नहीं है ये बीज, जब ये पूरे पक जाते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देने लगते हैं। ये वाले बीज जो है ये फुली ग्रोन हो गए, हमने इनको तोड़े नहीं थे तो थोड़े से ये खराब हो गए हैं, खराब जैसे झड़ गए हैं ये थोड़े से। और ये प्लांट को लगाना बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, कहीं पे भी इजीली लग जाता है। हमारे पास ये दो गमलों में लगा हुआ है, ये इसके बीज हैं। पहले तो इसका ये फूल आता है इस तरह से, ये इस तरह से फूल आता है, ये पूरा पेड़ है इसका, इस तरह से फूल आता है ब्राउन टाइप के कलर का। उसके बाद धीरे धीरे इसमें ये सीड्स बनने लगते हैं। इसमें आप हल्की सी भी हाथ लगाओगे ना, आपके हाथों में से खुशबू आ जाएगी, इसको सूंघ के बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद इस तरह से बीज बनने स्टार्ट हो जाते हैं, इसका ये पूरा सूख जाता है ना, तब इसके बीज बन जाते हैं। उसके बाद हम इसको तोड़ सकते हैं और इन्हीं बीजों से हम और भी पौधे उगा सकते हैं, लेकिन हमने ये बीज तोड़े नहीं थे ना, तो इस तरह से थोड़े जड़ गए हैं। तो इसको लगाना बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, ये कहीं पे भी इजीली लगा सकते हैं। इसकी पत्तियों में से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसको आप हल्का सा भी टच करेंगे ना तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें से। तो इसको लगाना बहुत ही इजी है।